बच्चों आप लोग सर आइजक न्यूटन के बारे में सुना होगा ना। साइंटिस्ट है, विज्ञानी जो भूमि पर गुरुत्वाकर्षण बल है, मैग्नेटिक पावर है, ये उन्होंने आविष्कार किया। आइजक न्यूटन, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल है भूमि पर, ऐसा ही उन्होंने इन्वेंशन किया है। आप सोचो बच्चों, एक भी आप लोग बॉल फेंको, कोई पत्थर फेंको, कुछ भी फेंको, ऐना ऐसे रही अद अल आकाश में निलता इला अल अब मत भूमि रिटर्न बीड़े या बीड़े भूमि गुरुत्वाकर्षण बल मैग्नेटिक पावर अद्रेलू तन कड़े सड़ीये मैग्नेटिक नोड़ी मैग्नेट एल तन कड़े सड़ीये गुरुत्वाकर्षण बल ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆಕರ್ಷಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ವಹಿ ಪೃಥ್ವಿ ಸಬ್ಕೋ ಅಪ್ನಿ ಓರ್ ಖಿಂಚ್ತಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ಅವ ಪಡೆ ಕೂಡಿ ಪೃಥ್ವಿ ಕೆಂಗಿಸ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇದೇನು ಏ ಲಡ್ಕೆ ಕ ಚುಟ್ಟ ಲಡ್ಕ ಉಸ್ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಸರ್ ಐಜಕ್ ನ್ಯೂಟನ್। उसी का बच्चा जब छोटा बच्चा था उस वक्त का कहानी है। वो कविता के बारे में आप लोगों को दिया है, पहले कविता पढ़ के सुनाऊंगी। मेरे घर की बगिया में था पेड़ सेब से लदा हुआ, हरी घास थी भिजी हुई, मैं खेल खेल कर थका हुआ। पेड़ के नीचे मैं जा बैठा, हल्की सी झपकी आई, मंद हवा का झोंका आया, डाल पेड़ की लहराई। तभी टपक एक सेब गिरा और उसने मुझको हिला दिया। सेब भला क्यों नीचे आया, इस सवाल ने जगा दिया। हुआ खड़ा मैं गेंद उछाली, वापस वह नीचे आई। निर्जर वन पर्वत से निकली, नदियां भी नीचे आई। अपनी ओर खींचती सबको, पृथ्वी में है कोई बल, अंतरिक्ष में सब खो जाता, यदि ना होता यह असंभव। देखो प्रभा मातुर जैसे कि लिखा हुआ कौन है, प्रिय प्रभा मातुर उसने लिखा है। एक छोटा लड़का कैसे सोचता है वो, मेरे घर की बगिया में, बगिया नहीं बगीचे, बगीचा गार्डन में था पेड़ एक सेब, सेब से सेब एप्पल इरोंता मरा इत्तोली, हरी घास थी बिछी हुई, हरी घास नहीं नीचे हरी हरी घास, हसरा हूँ लोग कड़े हासिल होते। मैं खेल खेल कर थका हुआ, नाट आड़ता सुस्तागे, पेड़ के नीचे में जा बैठा, नान होगी मरद कड़े कूदे, हल्की सी झपकी आई अरे सुस्तागदा कणु मुझते ना बरते सण चिखदे ने मतलब मंद हवा का झोंका आया, मंद हवा गाड़ी बरते ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಮರ ಮರ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ। ತಭಿ ಟಪಕ್ ಏಕ್ ಸೇಬ್, ಆವಾಗ ಒಂದು ಸೇಬ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಸೇಬ್ ಭಲ ಕ್ಯೂ ನೀಚಾಯ, ಓ ಸೋಚ ಗಯ ಸೋಚ ಕ್ಯೂ ಆಗಯ ಸೇಬ್ ನೀಚೆ, ಸೇಬ ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ। इस सवाल ने जगा दिया, सवाल यानी प्रश्न, उसके मन में प्रश्न उठा। आप सबको भी, सभी को, कोई हमें मालूम नहीं रहता तो उसके बारे में कई सवाल पैदा होता है, एस्टोंद बेकादष्ट प्रश्न हुटकोळुत्ते नमगे गोत्तिल्लदिरो विषय बग्गे, हौदा? आ प्रश्नेयन्न केळि नावु तिळ्कोळ्ळो प्रयत्नवन्न माड्तीवि। हागेने ई मगुगूनु हागे आयितु, उसको एक प्रश्न, सवाल यानी प्रश्न मन में जगा, क्या है ऐसे नीचे कैसे गिरा क्या क्या बीत मेले अल्लेबल। हुआ खड़ा में गेंद उछाली, क्या किया उसने, गेंद उसके हाथ में गेंद था ना बॉल, उसको फेंका ऊपर तो वापस नीचे ही गिर गया। क्यों गिरा, निर्जर वन पर्वत से निकली, निर्जर वन यानी निर्जर यानी झरना, फॉल वाटरफॉल्स,
वाटर फॉल्स जब भी नीचे ही गिरती है, ऊपर नहीं उड़ती है कि नहीं, ऐसे उल्टा नहीं जाती, वो नीचे धरती किधर है उधर गिरती है। नदियाँ भी नीचे आई, नदियों कहलाने बनते, अपनी ओर खींचती सबको, पृथ्वी में ही कोई बल, वो धरती अपनी ओर खींचती है सबको, तन कड़े एल आकर्षण मोड़ते, ईनो एनर्जी यनर्जी अब मैग्नेटिक पवर, ईनो पवर भूमि के अंतरिक्ष में सबको जाता। देखो इल भूमि के अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण बल अल ऐने वस्तु अब क्या अल ना गाड़ी हाराड़ता सैटलैट हाँ यार अल स्पे अल जन अल हाराड़ती हादे अद भूमि इला भूमि एलगड़े बीड़े यदि ना होता है संबल नहीं नहीं होता ये पवर नहीं होता तो सभी क्या करते थे इधर भी सभी उड़ते थे ऊपर, लेकिन इसलिए भूमि को कोई बल है ऐसा वो बच्चों ने बच्चा ने सोचा, ऐसा बच्चा सोच के आगे बढ़ के वो आविष्कार किया, क्या आविष्कार किया भूमि पर मैग्नेटिक पावर है, भूमि को सभी अपनी ओर खींचती है, ठीक है।